वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हमारी कॉमेडी की दिवाली का और भी ग्रैंड बनाने आ रहे हैं द वन एंड ओनली सुपर टैलेंटेड सोनू निगम। जोरदार ताली आ जाए। सर वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये आज के एपिसोड का ट्रेलर आप लोगों ने देख लिया है। एपिसोड बहुत कमाल होने वाला है। सर क्या गाते हैं सर आप? क्या गाते हो? थैंक यू, ऑसम टू बी ओवर हियर। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ और आप लोग जो ये कॉमेडी का जो सर्कस बना रखा है आपने, इट्स एक्चुअली सर्कस नहीं है, वो पाठशाला है एक्चुअली लोगों को सिखाने के लिए कॉमेडी कैसी होती है। फैंटास्टिक, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। सर मतलब कमाल गाते। एक तानसेन जी थे सर, गाते थे दिए जल उठते थे, बारिश होने लगती थी और जंगल में जानवर इकट्ठे हो जाते थे। सर ऐसे ही जब आप गाते ना सर, सारी कायनात की सारी चीजें इकट्ठी होने लगती। सर इनको टेंशन ये थी कि स्क्रिप्ट कहीं भूल ना जाए। आप बलराज मेहमान तो आ गए हैं, उसे बुलाना जो शो ओपन करेगा। मैम मैंने शो ही ओपन किया, मैंने कौन सा दुकान ओपन की किसी की। दिवाली है सुहेल भाई आज, और मेरे को किसी ने बताया था कि जो भी आप दिवाली पे करते हो आपको बार बार वही करना पड़ता है। मैंने सोचा शो ओपन कर लेते हैं, क्या पता हम एंकर ही बन जाए। तो आज शो मैं ओपन करूं। एक मिनट। शो को ओपन करने के एनर्जी की जरूरत होती है, जिसको ओपन करने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है हर बार, वो क्या ओपन करेगा? एक मिनट। कॉमेडी सर्कस ओपन कर रहा है सोहेल भाई, पागल खाने का नया ब्रांच नहीं। एक मिनट। अरे एक मिनट यार, चारों से नहीं हो रहा, कौन ओपन करेगा? तनु जी आपका बहुत स्वागत है मेरे शो में, और मैं इन ऑडियंस जैसे कंटेस्टेंट को संभाल लूंगा। तो चलिए शो ओपन करते हैं। आज मैं बना हूँ भंगार वाला। भैया फिर तो आपको कोई कैरेक्टर पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सर दिवाली पे सफाई करनी बड़ी जरूरी है, और सफाई में आपको बहुत सारा भंगार निकलता है। वो भंगार खरीदने मैं जा रहा हूँ इसके घर। अच्छा। और इसकी बीवी इसकी फिल्म की स्क्रिप्टें बेच रही और ये चाहते नहीं कि वो बिके। तो देखते हैं कि स्क्रिप्टें मैं खरीद कर लेकर जाऊंगा कि नहीं। प्लीज वेलकम बलराज दिव्यांश एंड अदिति। हेलो मम्मी। मम्मी सोनू जी आए। सर मम्मी आशीर्वाद दे रही है। हैप्पी दिवाली सर। प्रणाम। क्या सोनू जी सिक्स पैक बनाने का तरीका सीख लूं? मम्मी हर सोनू सूद नहीं होता, कुछ निगम भी होते हैं। हाँ मम्मी को बोलना दो तो हैं अपने। हाँ दो है। क्या उनसे पूछूं पानी कितने बजे आएगा? और नगर निगम नहीं आए, सोनू निगम आए यार। मम्मी आप ना अपने कान की मशीन लगाओ पहले। और पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे मैंने तेरी माँ को बोले दिवाली की सफाई करके कचरा बाहर निकाल दे, मेरे को बाहर फेंक दिया। और दिवाली पे भंगार निकालते हैं, गवार नहीं निकालते। सर हैप्पी दिवाली आप तीनों को। आप तीनों के लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूँ सर, इम्पोर्टेड शराब की बोतल। हंसने वाली क्या बात है, खाली इसलिए सर हम भंगार वाले, हमको ऐसे मिलती है, हम क्या करें। सर हम खानदानी भंगार वाले हैं, आपको पता है मेरे दादाजी ना मुगलों के दरबार में शाही कबाड़ी थे। उन्होंने ना एक बार अकबर की शाही तलवार खरीदने की पेशकश कर दी। आज हमारे घर की दीवार पे शान से टंगी है दादाजी की फोटो। सर भंगार वाले हैं तो थोड़ा भंगार इकट्ठा कर लें, लगता है इस घर में कोई ना कोई होना चाहिए। रद्दी वाला। घर में रद्दी वगैरह होगी दे दो। नहीं है। मम्मी से पूछो होगी। ओ मैं बलराज नहीं हूँ, हर काम मम्मी से पूछ के करूँ। हेलो मम्मी शो शुरू हो गया, हट मैं घर का मालिक हूँ। आप इस घर के मालिक हैं? सर जी घर भाड़े पे लेना, आपसे बड़ा डिपॉजिट देना पड़ता है, आपको पता है। तमीज से बात कर, मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ। बिल भाई देख रहे राइटर, तेरे से बड़ी लाइनें जस भी फंबल में निकाल देती। बॉलीवुड में मेरा सबसे बड़ा नाम है। क्या नाम है सर आपका? जावेद अख्तर गालिब गुलजार सोनू निगम ग्रोवर अली उर्फ छोटू। सर इतना बड़ा नाम है आपका, एयरपोर्ट पे अपना नाम चेक इन कराते कि हैंड कैरी करते? लगता है इसे अपना लिखा एक शेर सुनाना पड़ेगा। इरशाद सर। इरशाद। खुद ही को कर बुलंद इत्ता कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर एक शेर मैंने भी लिखा है ऐसा ही। हाँ जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले गालिब आकर खुद पूछे साले मेरा चुरा लिया तूने। तुझे कैसे पता कि ये गालिब जी का है?
सर मैंने गालिब फिरदौस मीर सब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं सर। भंगार वाला ओके, इतनी अच्छी किताबें कैसे पढ़ ली तूने सर? आपको पता नहीं आजकल अच्छी किताबें सिर्फ भंगार में मिलती हैं सर जी। सर आप राइटर हैं ना? हाँ हाँ। तो आपने तो बहुत कुछ लिखा होगा। हाँ। तो रद्दी होगी घर में, दे दो थोड़ी सी। अभी तुझे बताता हूँ कि मैंने जितनी भी किताब लिखी है सब कमाल है, विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं सर। अभी बताता हूँ, ये देख कमाल वन, ये देख कमाल रिटर्न्स, कमाल फिर से रिटर्न्स, और एक और कमाल रिटर्न। तुझे पता है जब मैं रोमांस लिखता हूँ तो मैं शाहरुख बन जाता हूँ, और जब मैं एक्शन लिखता हूँ तब ओए सरी बन जाता हूँ मैं सरी। सर देखो दिवाली है, सफाई के घर में भंगार वगैरह होगा, दे दो सर। अबे नहीं है, मैंने बोला ना मायके में है। सफाई खत्म हुई क्या पति देव? आप तो कह रहे थे मायके में। हाँ तो ये उसका मायके ही है, मैं तो घर जमा ही हूँ, चल निकल। रद्दी वाली ये लो, ये रही रद्दी। अबे अबे वो मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट है यार। सोहेल सर आपको पता है इसकी स्क्रिप्ट ना भेल वाला भी लेने से मना कर देता है, कहता है इस पे भेल नहीं डालूंगा वरना मेरी भेल का टेस्ट खराब हो जाना है। जानू तुम ये सब छोड़ो, ये रद्दी वाले से मैं निपट लूंगी। अब जाओ ना बाजार से मिठाई लेके आओ ना। मैं मिठाई में ले आऊंगा, लेकिन तेरे को एक बात बता दूं, एक ना एक दिन मेरी स्क्रिप्ट का कदरदान जरूर आएगा। सर आ गया कदरदान, बताओ कितने रुपए किलो तोलूं आपकी क्रिएटिविटी? बोलो सर। मेरी क्रिएटिविटी अनमोल है अनमोल, मेरी स्क्रिप्ट यूज की जाती है नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट की कैंटीन में। समोसे लपेट के बच्चों में बांटते हैं। चलो कुछ बहाने से बच्चों के पास अच्छा सिनेमा तो पहुंच रहा है। ये आपकी रद्दी तोल दी सर, ये हो गए आपके, ये सर आप। अरे ये तेरा कुछ गिर गया, ये 1200 रुपए हो गए सर आपके। मैडम ये लीजिए। अबे कोई फोटो? अरे जानू ये देखो, ये लड़की तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही है। अरे ये लड़का भी अच्छा, ये चक्कर चल रहा था तुम दोनों के बीच है? अच्छा तभी मैं सोचूं मिठाई लेने क्यों भेज रही थी ये। अबे ओए तुझे पता नहीं है कि इसका करेक्टर बड़ा खराब है? उस दिन प्लम्बर वाला आया उसके साथ हंस-हंस के बातें कर रही थी, बिजली वाला आया उसके साथ हंस-हंस के बातें कर रही थी। अरे मेरा कैरेक्टर नहीं, तुम्हारी नजर खराब है, बार बार भेज बदल के यही आ रहा था मुझसे मिलने। अबे यार तुझे इतनी पसंद थी तो शादी कर लेता इससे। सर भंगार वाला ना, हमको फ्रेश चीजें हजम नहीं होती। कांग्रेचुलेशंस। किस बात की? अबे मेरी सरदर्दी गई, अब तू झेल इसे। द एक्ट वाज वेरी क्यूट बट दिव्यांश यू वर मुआ। थैंक यू मैम। सीट इज फॉर यू। दिव्यांश मुझे ये ताजुब होता है कि काफी कैरेक्टर्स जो तुम निभाते हो, आई डोंट इवन थिंक तुम उनके बारे में कोई समझ भी होगी। यू डू इट विद कन्विक्शन, आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू आर फैबुलस। बलराज तो आहिर है, एंकर है, विच हैज नाउ गॉट एस्टैब्लिश्ड। अदिति आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग योर अप्रोच टुवर्ड्स द लाइंस, आई लुक फॉरवर्ड टू यू। बलराज साहब, अदिति एंड दिव्यांश, आप लोगों ने बहुत ही कमाल का एक्ट किया है। वेरी नाइस, वंडरफुल, फैंटास्टिक, मेरा पहला अनुभव है। थैंक यू सो मच, लवली। रिश्ते में तो हम तुम्हारे पाप होते हैं, मैं बहुत शर्जा हूँ। अब कहाँ बोस, चली को कहते आग और पोछी को कहते राख, जिस साग से बने पारूद उससे कहते विश्वनाथ आप भीष्म। एक्ट खत्म हो गया, ये क्या कर रहा है? अरे मैनेजर आ रहे हैं दिवाली इवेंट में आर्टिस्ट बुक करने, तो मैंने सोचा मैं भी ऑडिशन दे दूं। तो चलिए हम देखते हैं कि दिवाली इवेंट में सेलेक्ट होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। प्लीज वेलकम सिद्धार्थ, मुबीन एंड करिश्मा। अरे नहीं होगा यार मेरे से यार। सोहेल भाई, अर्चना जी, सोनू सर, आई एम सॉरी, आज मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगा। सारा सेटअप लगा दिया है लेकिन स्क्रिप्ट अभी दी है। ये तरीका नहीं होता सर, बहुत हल्के में लिया जा रहा है सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। हैप्पी दिवाली, इतना ही था हमारा आज का एक्ट। थैंक यू। जोरदार तालियां।
सुनील सर आपने इसमें डांस किया था, सोनू सर आपने गाया था, अर्चना जी आपने बहुत अच्छे से देखा था। आगे क्या भाई, ऐसे नहीं होता, चलो भाई मैं बोल रहा हूँ करेंगे हम, भाई हम सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत उम्मीद है कि मैं आपको संभालूंगा। बहुत उम्मीद है। ये संभालेगा, जो आते ही चार बार गिरता है वो मुझे संभालेगा। अर्चना जी आपने चढ़ाया इसको। अच्छा। ये गिरता है, आप इतना हंसती है, मालूम है कल प्रैक्टिस कर रहा था अपने घर पे गिरने की, ये दांत टूट गया मेरा। भाई क्यों परेशान हो रहे हो, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ, राइटर ने लिखा है जय श्री राम, ये सारे राइटर भगवान के भरोसे चल रहे हैं यहाँ पे। मुबीन आता है और आके कुछ मिमिक्री करेगा, सिद्धार्थ आता है अपने आप गिरेगा, जो मन में है वो करेगा, एंड मुझे आता नहीं मैं बहुत बड़ा राइटर बनूंगा, कौन है ये। लिखा है पीटीओ, ये मेरे सेट पे आया मैं इसको पीटीओ। हाँ जरूर पीटीओ। ये आया सिद्धार्थ आके बोलता है कुछ लिखा, कुछ लिखा है मेरा वुहू साला मस्ती। सिद्धार्थ और मुबीन आते हैं, मुबीन एक्टर छाप पटाके करता भाई। अर्चना जी ये चीज कितने बार कर चुका हूँ मैं, एक्टर छाप पटाके क्या करूंगा मैं, वही आएगा नाना पाटेकर वही फट 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 फटक फटक फट। हम देख चुके, अरे कितनी बार देखें, ये कुछ नहीं है, मुझे क्या बोलता है भाई आप करते हो लेकिन नया करो, ओम प्रकाश की टिकली फोड़ो। अब ओम प्रकाश की टिकली कैसे फोड़ूंगा मैं, आ चट आ चट आ चट चटी चटी चट 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 बिक्की बाबू चटात। क्या क्या करूं, और तो और बोलते सैफ अली खान रॉकेट जलाओ। वाओ पट यार, वाओ पट यार। मेरे को बोल रहा था कि आलोकनाथ बम फोड़ दो, मेरे को कैसे फूटेगा, फुस। एक बम मेरे को भी आता है, प्लीज प्लीज, उदित नारायण बम, सर 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 सर। मैं बोल रहा हूँ लाइनें अच्छी लिखी है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। हाँ एक सेकंड मैं भी देखूँ क्या अच्छा लिखा है, ये अच्छा लिखा है, सब खराब कर दिया, करिश्मा की एंट्री अब तो खराब हो गई। भाई आए भाई वेरिएशन दो वैरायटी की, एक मिनट चुप रहो, बीच में नहीं बोला फिर आता लड़की का हाथ खाता। पगड़ बिल्ले, हाँ पगड़ बिल्ले, देखो लकड़ बग्गे की स्पेलिंग भी गलत बोल रही, पगड़ बिल्ले। भाई सोनू भाई बैठे, मैं बोल रहा हूँ हमें वैरायटी दिखानी होगी, मैं बोल रहा हूँ उनके सामने वैरायटी की बात नहीं करना, पता है उनकी तो हेयर स्टाइल की जो वैरायटी है ना वो हमारी परफॉर्मेंस से ज्यादा है। इतने वेरिएशन दिए हेयर स्टाइल में, उनके जुए भी आपस में बात कर रहे होते हैं, भाई अपना मालिक सही है, बार बार घर रेनोवेट करवाता रहता है। मैंने मेरे जुओं को बेघर भी किया हुआ है, लास्ट ईयर टकला हो गया था मैं, याद है। कर रही हूं? पूरा देश जानना चाहता है क्या कर रही है, क्या कर रही है। करिश्मा तुम एक काम करो, ये पटाखे लेके जाओ, हाँ बाहर फोड़ो, अगर फुस भी निकला ना तो यहाँ जैसा मजाक नहीं बनेगा पीछे। नहीं, नहीं, इस साल का रेजोल्यूशन है मैं पटाखे नहीं फोड़ूंगी। तू पटाखे भी नहीं फोड़ेगी, पंच तो तरह से फूटते नहीं, पटाखे भी नहीं फोड़ेगी। तुम दोनों बकवास मत करो, थॉट आया है, जिसके पास दिमाग नहीं आया थॉट कहाँ जा सकता है। मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और कंफ्यूज हूँ कि एक्टर को हायर करूँ या सिंगर को, एक बहुत बड़ा दिवाली का इवेंट है, मैं पर बजट काफी कम है। ये बता कितने पैसे देगी, बोल। जितने सोहेल जी को मिलते हैं, नहीं नहीं एक्चुअली ये तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, हाँ। जितने अर्चना जी को मिलते हैं, नहीं ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। अच्छा बताओ पेट्रोल कितने रुपए का है, 100 रुपए का है, और सरकार ने कितना कम किया, 95, तो जो 5 रुपए बचे ना वो तुम दोनों के। ठीक है ना, ठीक है, एक्टर जो होता है ना उसे पैसों की परवाह नहीं होती, अपने टैलेंट के लिए काम करता है। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों कंपटीशन करो फिर देखते हैं। ठीक है, पप्पियां दोनों कंपटीशन करें। नहीं नहीं उसका कहने का मतलब है सिंगर और एक्टर का कॉम्पिटिशन। हाँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक्टर लेकर आता हूँ, तुम सिंगर ले आना, तो मैं अनिल कपूर साहब पेश करता हूँ। तुम क्या समझती हो मोहिनी, तुम क्या समझती हो मोहिनी कि मैं तुम्हारे प्यार की खातिर इतनी दूर आया हूँ। बेवकूफ लड़की, सौदा किया है तुम्हारे बाप से, तुम्हें छोड़ा कर लाने पर सक्सेना ने मुझे 50 रुपए देने का वादा किया है। ठीक है मैं आज गला बैठा अर्चना जी, मैं कैलाश जी करूंगा। अच्छा कैलाश, सोनू जी का गाना गाने जा रहा हूँ, अद्भुत प्रस्तुति है मेरी, अखंड मंडला कारम व्यापतम यन चला चरम, कुछ ऐसा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वेरी गुड, ब्लूम, ये देखा, पता कौन जीता, वाह ये जिस तरह से तूने किया है ना,
ये जो तूने किया है ना, सोनू जी थप्पड़ मारेंगे तुझे। जो मैंने कैलाश जी का, सोनू जी थप्पड़ क्यों मारेंगे? कैलाश जी का हाथ नहीं पहुंचेगा ना। देखो मुझे ना स्क्रिप्ट के बिना बात नहीं आती। हाँ, और स्क्रिप्ट होती है तो स्क्रिप्ट याद नहीं आती अभी। मुझे नहीं खेलना। खेलना? टाइमिंग खराब करके हमारी जिंदगी को एक साथ खेल गई तू। अभी भी खेल। जाऊं मैं? जाऊं क्या मतलब? घूंसे खाने का वेट करें, निकल। पकड़ बिल्ले। सॉरी सर, आज का एक्ट नहीं हो पा रहा है हम लोगों से। हम लोग कितनी इस तरह से बातें करेंगे, नहीं हो पा रहा है। नहीं मिली है स्क्रिप्ट, क्योंकि स्पॉन्टेनियस कितना करें। मिमिक्री मैं करूंगा, वही मिमिक्री लगेगी आपको। एक्ट तैयार हो गया सर। तू राइटर है? ये देखो डैनी का फेंका हुआ अंडा। तेरी स्क्रिप्ट अपने पास रख, समझा भाई? मैं जानता था ये हरकतें करेगा। ए रुक, मैं कह रहा हूं मैं मारूंगा भाई, मैं मारूंगा। नहीं सिद्धार्थ, नहीं। बोल क्या बिगाड़ेगा मेरा? अरे रे, रे, भाई लगी तो नहीं। Thank you so much. My God, yaar. The most underplayed act, but the most fabulous act of the season. Wow. Thank you, sir. All of you guys, wow, fabulous. This was a very difficult act to perform. As a concept, बहुत बढ़िया लगता है ये, लेकिन इसको एक्चुअली फनी बनाना बहुत मुश्किल है। आई थिंक दिस एक्ट कुड नॉट हैव बीन डन विदाउट यू थ्री। वंडरफुली डन। पहली बात तो मोमिन, मैं आपका बहुत फैन हूँ। सिद्धार्थ, आप तो मतलब खजाना हो दोनों मिलके। करिश्मा को मैं पहली बार देख रहा हूँ। आई वुड से दैट जब दो महारथी सामने हो तो जो थर्ड है अगर वो ठीक ठाक ना हो तो फिर एक्ट पूरा धराशायी हो सकता है। सो फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। फोन बज रहा है। या अभिलाष का फोन। इसके मोबाइल में बैलेंस कहाँ से आया? हेलो क्या? अच्छा तेरी एंट्री के बारे में बोल रहे हैं। ओके आओ चले। का कहते बुजुर्ग, ध्यान से देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिलाष माइक बन रहा हो और गौरव स्टैंड अप कर रहा हो। आइए देखते हैं किस तरह ये पुराने अनार और फुलझड़ियों को नए अंदाज में फोड़ने आ रहे हैं गौरव, अभिलाष एंड सना। थक नहीं गया हूँ, पहली बार स्टैंड अप कर रहा हूँ तो डर लग रहा है। इसे अर्चना जी, मैं सोच रहा हूँ गौरव कर कैसे लेता है ये सब कुछ, क्योंकि मुझे तो लाइनें अब तक याद हैं। सोनू जी कैसा लग रहा है आपको? बड़ा जोर से लग रहा है। सेल जी पहचाना? बादाम खाया करो एक तो, आप किसी को नहीं पहचानते। नहीं अब पहचाना? ओह गॉड। क्या ओह गॉड? गैलेक्सी से बाल खींच के बाहर निकाला था मुझको। वैसे जी दिवाली की रात है और दिवाली की ही एक रात को जो लाला है वो मेरे घर से कंगन लेके गया था, पर मजे की बात ये कंगन में मैं भी फंसी हुई थी। ये देख माँ, मुझे साइकिल चलाने आ गई माँ, 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 माँ। साइकिल है ना, बैठ के चलाती हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? आ, 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 अब साइकिल को पार्क कर देता हूं। बेटा घोड़ा नहीं है, घोड़े की पूंछ होती है। नहीं, हमारे घर में साइकिल की पूंछ होती है। हर कोई पूछता साइकिल कहाँ गई, कहाँ गई। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो तुझ में मिसिंग है उसे दिमाग कहते हैं। सुहेल जी नमस्कार। अर्चना जी, आप मुंबई नहीं आ सकती, मेरी तरफ से ना है। माँ माँ माँ, दिवाली की खुशी में तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ।
धपुक धपुक ढपास ये ले माँ क्या है खाली है अरे माँ इस पे शक्कर लगी चाट ले ऐसा जी डब्बा जरूर भरा हुआ रहा होगा इसने ढा ढा आ आ आ आ करके सारी मिठाई गिरा दी है पक्का या भसम ये मेरा स्टाइल है सलमान को दबंग कहते हैं अजय को सिंघम कहते हैं और जो सामने बैठे हो उसे सोनू निगम कहते हैं माँ सुबह से तू कहाँ रह गई थी मैं दरअसल बेटा लाला के पास कुछ सामान गिरवी रखवाने गई थी रोज रोज लाला से मिलने के बहाने छोड़ दे माँ मिल मिल के तूने घर का सारा सामान रख दिया उनके गिरवी पे आखिर लाला ने तुझे दिया क्या है तुम्हें तुझे शर्म नहीं आती माँ से ऐसी बात करता है अब एक बात कान खोल के सुन ले शादी हो के रहेगी अरे माँ मेरी ताकि तेरे को पिता और मुझे पति मिल जाए माँ 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 की आँख शादी मेरी होगी क्योंकि लड़की मैंने पसंद कर ली ढांचे को ढोसुम ढाबा लेकिन जी मेरे को रिश्ता मंजूर नहीं है क्या कहा माँ माँ मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ प्लीज माँ मैं अभी पंडित जी के पास जाके तेरी शादी का रिश्ता फिक्स करा के आती हूँ बेटा है ठीक है आज दिवाली है आज तो घर को सजा दो ठीक है एक घर आज शाम को तेरी फांसी है ये सजा ठीक है आ जाओ मेरे गाड़ी में बैठ जा ओके ओके कि बच्ची गेट कौन खोलेगा अबे गधे के बच्चे दरवाजा बंद कौन करेगा क्या हुआ गाड़ी नहीं चल रही है अबे मैं गला साफ कर रहा हूँ गला क्यों साफ कर रहे हो तुम्हें कौन सा गाना गाना है चुप तेरे नाला का सुपारा अबे तेरी बहन के डिंडोसी उतर उतर ये क्या किया वो मैं खिड़की से उतर गई अरे ये बुढ़िया कौन है खबरदार जो अर्चना को बुढ़िया कहा बस ये कौन है हाँ ये तुम्हारी होने वाली बहू है जब तक तू मेरा बदला नहीं लेगा शादी नहीं करनी है तूने हाँ ये तो चीटिंग हुई आज तक तूने बताया नहीं मेरा बाप है कौन ये तेरा बाप अरे ये तो कल्लू हलवाई है साल ऐसे ढंग से जलेबी बनी नहीं तुझे माँ कैसे बना दिया वैसे बेटा मुझे लड़की पसंद नहीं है ये नहीं माँ जी मैं बहुत अच्छा हलवा बनाती हूँ लोग उंगली चाट चाट के रह जाते हैं इतना अच्छा बनाती है अरे नहीं इतना सही बनाते लोग हाथ में लगाता चाटना शुरू कर देते हैं माँ ये तेरी होने वाली बहू है पूछो बहुत कुछ करती है ना हाँ बेटा चाय बना लेते हो आप अपने कपड़े धो लेते हो yes. साफ सफाई वगैरह जी माँ जी ठीक है बेटा पैसे हम डिसाइड कर लेंगे कल से आ जाना और देखो छुट्टी मत लेना ठीक है माँ मैं बहू लेकर आऊँ काम वाली बाई थोड़ी आप भेजम इतनी घटिया चॉइस है तेरी क्या करूँ माँ मैं अभी बाप पे गया हूँ बस अब बहुत हो गया तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा बेटा हाँ ठीक है माँ तूने माँ को छोड़ के इसे चुन लिया अरे नहीं माँ इसे बाहर फेंकने चल निकल आज, आज। क्या हुआ तू इतने खूबसूरत है क्या हुआ तूने अच्छी वैक्सिंग करवाई है निकल तरह से क्या हो गया तू करोड़पति बाप की बेटी है हट दूर खबरदार मेरी बहू पे किसी ने हाथ लगाया तो हाय माँ जी गिरगिट भी दो मिनट लेता है रंग बदलने के लिए
इतनी संस्कारी है। वैसे भी भाई इंसान को अपनी औकात पे रहना चाहिए, है कि नहीं है? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी औकात में रह रहे हैं। सही कह रहा है जी, हमें कौन सा लालच है, हमें तो लड़की दो जोड़े में आया घर पे, हम तो खुश है जी। हाँ, दो ही कपड़ों में, लेकिन माँ ऊपर से साड़ी डाल देना माँ, वरना सोनू निगम के कॉन्सर्ट से ज्यादा भीड़ हमारे मंडप में होगी। नहीं नहीं माँ जी, आप उठिए, आपकी जगह यहाँ नहीं है, जाओ। आईफोन? हाँ लाला, मेरे कंगन लेकर आ जा, तेरे मुंह पे पैसे मारूंगी, अब मुझे करोड़पति बहू मिल गई है। नहीं नहीं माँ जी, मैं करोड़पति नहीं हूँ। हेलो लाला जी, सॉरी, आप अभी मताओ, ठीक है? वो एक्चुअली मेरा बाप करोड़पति है ना। लाला भाग के आ गया, मैं पैसे दूंगी तेरे को। नहीं माँ जी, आपको गलत फहमी हुई है, मेरे बाप का नाम करोड़पति है, करोड़पति शुक्ला। लाला जी सॉरी, आप है ना वापस ये बस से उतर जाओ एक बार। हाँ, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में करोड़ है। लाला अभी बस में चढ़ तू, आ मैं दूंगी तेरे को पैसे। लाला माँ जी, करोड़ों का लोन है। लाला क्या हुआ? बस के नीचे आ गया। अर्चना जी, आपको पता है मेरे पास 8-10 बड़े बड़े पंच हैं, मैं चाहूं तो फोड़ दूं और आप हंस हंस के गिरेंगे, लेकिन नहीं, दिवाली है और हम खुशियों का अंत नहीं होने देना चाहते हैं। तालियों के बीच में बच गए। थैंक यू। एनर्जी, टाइमिंग, कॉमिक टैलेंट, प्रेजेंस, आज इस एक्ट में आप तीनों ने ये बखूबी दिखाया। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आई आल्सो हैव टू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। गौरव साहब, ये क्या था? आपने जो किया है ना आज, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहने वाला हूँ, आपने इतना गंदा किया है, इतना गंदा किया कि यू डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन ओवर हियर। अब आ रहे हैं 4 सटायर, 2 शेर, 4 वर्ड प्ले करने वाले पारितोष पारेख। आज पारितोष ने भी दिवाली में दिख दुकान खोली है। मुझे पता था जब शो की पेमेंट 1.5 साल लेट हो तो आदमी कहीं ना कहीं हाथ तो मारता ही है। प्लीज वेलकम पारितोष, ओजस्वी एंड अनीता। तोनू जी, आपके लिए और बाकी सबके लिए यह गाना है, मगर हमारे लिए और कैसे हो का जवाब है। अभी बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, और जो जिंदगी बाकी है वही झंड हुई जा रही है, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लौंडे इतने बदतमीज हैं, आज सुबह दिवाली के उद्घाटन के नाम पे हमको बम वाला लड्डू खिला दिया। वो अंदर जाके फटा है, ऐसा फटा है सूसू कर रहा हूं तो धुआं निकल रहा है। अब उसको हम कैसे बताएं कि यह धुआंधार परफॉर्मेंस हमारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से है। अच्छा, म्यूजिक का सेंस हमारे बाप को था, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो चला के लोगों ने कान के नीचे नहीं मारा है। आज भी मेरे बाप का कुर्ता उतरवा के देखिए, पीछे बांसुरी का निशान है। लेकिन यह सस्पेंस है, किसी ने बांसुरी से नहीं मारा, मारा था हारमोनियम चला के, गिरे बांसुरी पे थे। बत्ती और दिए का त्योहार दिवाली आप लोगों को मुबारक हो। मुबारक हो। अच्छा, ये दिवाली पे हमने दुकान लगाई है, बहुत कमाल की दुकान है ये, सिर्फ दिवाली का नहीं हर तरह का सामान है, बस कोई कस्टमर आ जाए। भाई क्या हो गया, हाथ दरवाजे में आ गया? सोनू जी चले जाए। मैं पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाओगी? वो कौन सा खोपड़े पे माइक फेंकने वाले हैं? तुम ये बताओ कि कौन से पटाखे हैं? हर तरह का पटाखा है अपना, ये देखिए, ये जो है अपना आदिति छाप पटाखा है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। बस देखने में खूबसूरत है, फूटता नहीं है। कभी कभी फूटता है, फूटता है ना? अरे एक मिनट, हमको भी पता है, पर ये लाइन बोलने के लिए बलराज ने 10,000 रुपया दिया था हमको। अच्छा चाचा जी, आप मुझे चाचा किसको बोला? अरे लिखा तो हुआ है चाचा।
चाचा की दुकान? मेरे चाचा की दुकान है। आई सेल भतीजा। मेरे चाचा खर्च हो गए। सोनू जी कहते हैं अगर बिजनेस में तरक्की करनी है तो बस एक छोटे से धक्के की जरूरत है। वही धक्का हमने दिया था चाचा को छत से, दुकान हमारी हो गई झट से। हो गई तुम्हारी फालतू बात। ए, फालतू बात से याद आया हमारी तीसरी पार्टनर नहीं दिख रही है। ओह माय गॉड, सोनू जी, सोनू जी, क्या हुआ? दरवाजे में हाथ आ गया। क्या हुआ? इनके साथ मेरी एक सेल्फी लो ना चाचा। चाचा बोला? कुछ कीजिए ना डार्लिंग। ओह माय गॉड, सोनू जी सब आपकी वजह से हो रहा है, आप आया कीजिए, वरना रिटायरमेंट की उम्र में नई नौकरी का ऑफर कौन देता है। सोनू जी आपको पता है ये लोग लाइन मार रहे हैं आप पे, नहीं ना? नहीं पता। नहीं पता ना, ये देखो तरबूज को पता ही नहीं कि दो दो चक्कू उन पे गिरने के लिए तैयार है। अरे ये दोनों चक्कू ही हैं, ये ई शार्प ये डी शार्प। ये क्या फालतू बात किए जा रहे हो? अभी अपने पति को बुलवाऊंगी ना, ये सारा सामान उठवा लूंगी। डॉन है? नहीं, कूली है। सच्ची में इसका पति कूली ही है, वरना इतना बड़ा बोझ कौन उठा के घूमता है। ठीक है, मेरा पति सामान उठाता है, लेकिन इसका पति तो कचरा उठाता है। हाँ, उठाता है। हेलो बेबी, ओजस्वी को उठा के जाना। एक मिनट, एक मिनट। कचरा, कूली, डस्टबिन, साला जिंदगी में नहीं कम से कम एक्ट में तो अमीरी दिखाया करो। अच्छा, आपके पास रंगोली है? हाँ रंगोली है, ब्लैक वाली है। ए ब्लैक? अरे कलर्स दिखा। मैं सिर्फ सोनी दिखा सकता हूँ। ए कितने फालतू दुकानदार हो, इतना सामान है फिर भी नहीं बेच पा रहे। ए फालतू दुकानदार किसको बोला? मैं बहुत कमिटेड दुकानदार हूँ, आपको पता है सोहेल भाई, जैसे दिवाली पास आती है मैं अपने छोटे भाई को बेवड़ा बना देता हूँ। क्यों? अरे वो रॉकेट के लिए बोतल भी देनी पड़ती है ना। ए फालतू जोक के चक्कर मारी बोनी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, आप कार्ड लेंगे? हाँ कार्ड लूंगा। ये लीजिए। ये कौन सा कार्ड है? विजिटिंग कार्ड, घर पे आके पैसे ले जाना। जिस तरह का जोक ये मार रही है ना, टीवी पे दो चीज अलाउ करवा दो, एक उछल के दांत काटना और एक उसी कटे पे नमक रगड़ना, पागल कहीं की। अच्छा ठीक है, कार्ड ना सही, वैसे ही दे दो। वैसे कैसे? फ्री में। फ्री में कैसे? ऐसे। ए, 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 बदतमी, ए, 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 हैप्पी दिवाली। पहले तो सबको दीपावली की शुभकामनाएं, एंड आपने इस मौके पर और इस टॉपिक पर बहुत क्यूट और छोटे छोटे पंचेस के साथ भरपूर एक बहुत ही अच्छा एक्ट पेश किया। फैबुलस एक्ट एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। वंडरफुल एक्ट, एंड आई फाउंड द एक्ट टू बी वेरी स्वीट। कुछ बड़ी बड़ी बातें आप कह गए हैं बातों बातों में, और हंसी मजाक में कुछ कह गए हैं आप, विच आई लव्ड द मोस्ट। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अर्चना जी, कौन कहता कि बिना पटाखे के दिवाली नहीं होती? यहाँ पे हुई ना हंसी के पटाखों की दिवाली। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सर्कस की टीम के लिए। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमसे मिलते रहिए ओनली ऑन कॉमेडी सर्कस।